वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्थित विभिन्न बड़े तालाबों की दुर्दशा से चिंतित विधायक ऋकेश सेन शनिवार को 2 दिवसीय प्रवास पर गुजरात के लिए रवाना हुए। इस दौरान वे नगर निगम भिलाई के अधिकारियों व आर्किटेक्ट के साथ कांकरिया झील का निरीक्षण कर उसके तर्ज पर वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के तालाबों के कायाकल्प की रूपरेखा तैयार करेंगे। और वैशाली नगर विधानसभा के लगभग 32 तालाबों का बहुत जल्द ही कायाकल्प होने जा रहा है। सिर्फ कायाकल्प नहीं बल्कि इन तालाबों को सुंदर बनाया जाएगा और साथ ही पर्यटन के लिए लोग इन तालाबों को याद भी रखेंगे। जी हाँ, बताना चाहेंगे क्षेत्रीय विधायक ऋकेश सेन की पहल से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट कांकरिया झील की तर्ज पर ही वैशाली नगर के इन तालाबों का कायाकल्प बहुत जल्द होने जा रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट कांकरिया झील की तर्ज पर ही वैशाली नगर के सभी तालाबों की दशा और दिशा को और अधिक सुंदर और बेहतर बनाने के उद्देश्य से वैशाली नगर विधायक ऋकेश सेन अहमदाबाद रवाना हो रहे हैं। उनके साथ नगर निगम भिलाई राज्य शासन के अधिकारी तथा आर्किटेक्ट टीम भी शामिल है। अहमदाबाद जाकर विधायक टीम सहित कांकरिया झील का अवलोकन करेंगे और उसके पूरे प्रोजेक्ट को समझेंगे ताकि उसी के तर्ज पर वैशाली नगर के सभी तालाबों का सौंदर्य किया जा सके। विधायक ऋकेश सेन ने बताया है कि अहमदाबाद की कांकरिया झील नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। उसे देखने और समझने के लिए 2 दिन के लिए अहमदाबाद जा रहा हूं। वैशाली नगर विधानसभा में भेलवा तालाब, संजय नगर से लेकर सभी कुल 32 तालाब शामिल हैं, जिन्हें मैं अच्छी तरह से सजाना और संवारना चाहता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने देखा है कि इन तालाबों में अब तक करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन तालाब की हालत जैसी की तैसी बनी हुई है। कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ अच्छा बनाने के लिए, कुछ यूनिक बनाने के लिए मैं कांकरिया प्रोजेक्ट को देखने जा रहा हूँ। और साथ ही उन्होंने कहा, मेरे साथ निगम के अधिकारी, राज्य शासन के अधिकारी और आर्किटेक्ट टीम भी शामिल है, इसलिए वहां से सीखने और समझने के बाद बहुत जल्द ही वैशाली नगर क्षेत्र के सभी तालाबों पर काम शुरू किया जा सकेगा। वैशाली नगर की जनता को मेरा सादर प्रणाम। 2 दिन के लिए अहमदाबाद जाना चाहता हूँ, आप सबको सूचित करना चाहता हूँ। अहमदाबाद में कांकरिया झील है। कांकरिया झील नरेंद्र मोदी जी की ड्रीम प्रोजेक्ट है। उसे बड़े सुंदर तरीके से सजाया गया है। मेरे विधानसभा में भेलवा तालाब नेहरू नगर से लेकर संजय नगर तालाब और ऐसे 32 तालाब हैं जिसे मैं अच्छे से सजाना और संवारना चाहता हूँ। लेकिन मैं देखा हूँ कि जब भी करोड़ों रुपये खर्च हो चुके हैं इन तालाबों में, तालाब जस के तस है। कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ अच्छा बनाने के लिए, कुछ यूनिक चीज़ करने के लिए मैं उस प्रोजेक्ट को देखने जा रहा हूँ। देख के मेरे साथ नगर निगम के अधिकारी रहेंगे, राज्य शासन के अधिकारी रहेंगे और साथ में हमारे जो आर्किटेक्ट हैं वो आर्किटेक्ट भी रहेंगे। तो आता हूँ सीख के, पढ़ के, लिख के कि वो उसी की तर्ज पे यहाँ पे मैं कैसे तालाब बनाऊँ। इसके लिए 2 दिन आप लोग से छुट्टी ले रहा हूँ और 2 दिन मैं अहमदाबाद कांकरिया जा रहा हूँ। 2 दिन बाद लौटूंगा, फिर से आप सब से मुलाकात होगी, आप सब लोगों की समस्याओं को सुनूंगा और वैशाली नगर विधानसभा के लिए कुछ नया करने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। वैशाली नगर की जनता से उन्होंने अपील की है कि मैं 2 दिन की छुट्टी मांग रहा हूं। मैं वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र को सजाने और संवारने का स्वप्न लेकर अहमदाबाद जा रहा हूं, इसलिए 2 दिन वैशाली नगर क्षेत्र की जनता से भेंट मुलाकात नहीं हो सकेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि वहां से लौटने के बाद मैं फिर से आप सभी के सुख दुख में सहभागी बनने के लिए और आपकी सेवा के लिए तैयार मिलूंगा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।